नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपे बिल्कुल देसी अंदाज में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को PSP को उत्तराधिकारी बना दिया है, तो BJP के कछु नेतन के बिल्कुल आग लग गई है, आग बबूला है गए। पूरी खबर क्या है, पूरी खबर बताएंगे आपको। चलो टाइम न बर्बाद करते हुए शुरू कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के नेता हैं एक राकेश त्रिपाठी, वो क्या कह रहे हैं उनकी सुन लो। बसपा सुप्रीमो के यह कदम को परिवारवादी बताया है, उन्होंने यह कदम को परिवारवादी बताया और कही है कि उत्तराधिकार तो यानी कि उत्तराधिकार तो राजवंश और मुगलिया काल में हुई करे। राजनीतिक दलन में पार्टी अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने जाएं। बीजेपी नेता ने कही है कि उत्तराधिकार परिवारवाद में हो, राजनीतिक दल में ना हो। राजनीतिक दल जनता से बने हैं, कार्यकर्ता से बने हैं, पार्टी को अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनो जाए, काई उत्तराधिकार से नहीं। ये राजवंशन में हो, मुगलिया सल्तनत में ऐसा हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर काशीराम के मिशन के रूप में शुरू हुई, अब वो कमीशन में बदल गई है और अब पूरी तरह से परिवारवाद में डूब गई है। राकेश त्रिपाठी ने आगे कही है कि आज यही वजह से ही बसपा की हालत लगातार कमजोर रहती जा रही है। पार्टी के जो संस्थापक सदस्य है वो सब एक एक करके पार्टी को छोड़ कर चले गए हैं और आज बसपा ने जाते रहते उत्तराधिकार तय करने को काम करो है, उत्तराधिकारी तय करने को काम करो है। बातें साफ है कि बसपा पूरी तरह से साफ होने वाली है। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां उन्होंने मायावती के फैसले पर खुशी जताई है, लेकिन यह के साथ ही उन्होंने उम्मीद करी है कि नए नेतृत्व में बसपा बीजेपी से दूरी बना के रहे। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को लखनऊ में हुई पार्टी की बैठक में आकाश आनंद को पार्टी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आकाश आनंद ने पिछले काफी समय से पार्टी में लगातार एक्टिव हैं, हालांकि अभी तक कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। उन्हें ऐसे समय में जिम्मेदारी दी गई है जब लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में संगठन को मजबूत कर एक बार फिर से बेहतर नतीजे की उम्मीद पर खरो उतरना पड़ेगा। लेकिन इन बीजेपी नेतृत्व ने पूछे कि अगर आकाश आनंद को उत्तराधिकारी ना बनावे या जिम्मेदारी ना दें तो कहीं बीजेपी वाले को दें? आज तक कहीं ना दही है कहीं को दूसरे को है भाई, और कौन को देंगे? कहीं ना कहीं अपने को ही तो देंगे, या फिर विश्वास होगो ये लगेगी कि हाँ भाई, ये पार्टी को आगे तक लेके जाओ भाई को तो देंगे है। इनके काय बात की पता ना आग लग रही है, जब पीछे कैसे पेट में इनके गोला घूम रहो समझ में ही ना आवे। अरे बसपा सुप्रीमो ने जो करो अपना सोच समझ के करो होगो भाई, तुम कहाँ घूम रही हो, तुम पे क्या जोर पड़ रहो, तुम पे कौन सी अपचन है रही है, समझ में नहीं आई बात। अपनी पार्टियां देख लो, बीजेपियां देख लो, वहां एक तो एक धुरंधर, वहां परिवार बात ना है। पूरी इतनी लंबी लिस्ट है, समय बताएंगे तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, समय मालूम है तो ज्यादा, एक देसी भाषा में कहते हैं ज्यादा तीतर न बनना चाहिए आदमी को। अब बसपा सुप्रीमो ने जो करो सोच समझ के करो होगो, सही करो होगो। चलो आप कैसे ले रहे हो, आप कैसे समझ रहे हो, तो ना कॉमेंट के माध्यम से बताओ और इन लोगों को जवाब दो जो ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।